हेलो स्टूडेंट, हाईवे की आज की क्लास में हम बात करेंगे कर्व के बारे में और जानेंगे इस लेक्चर में कि कर्व क्या होता है और हम सड़क में कर्व कहाँ प्रोवाइड करते हैं, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कर्व हमारे कितने टाइप के होते हैं और जितने भी टाइप के हमारे कर्व होंगे उससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कर्व के बारे में। तो कर्व को अगर समझें कि किसी भी सड़क में कर्व होता क्या है और कहाँ दिया जाता है, तो समझें कि हम एक डायग्राम यहाँ बना हुआ है और दूसरा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इन दोनों की मदद से हम कर्व को समझेंगे। तो कर्व क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कर्व क्या है, कर्व एक बाउंड्री है। कर्व क्या है, कर्व एक बाउंड्री है। कर्व एक बाउंड्री है। अब किस किस के बीच बाउंड्री है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखें, जो कि किस किस के बीच में है, जो कि पेवमेंट, और इसको आपको ध्यान समझना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पेवमेंट एंड पेमेंट और किसके बीच में है, नंबर वन पॉइंट, शोल्डर के बीच, पेवमेंट और शोल्डर के बीच एक बाउंड्री होती है। दूसरा, फुटपाथ, यानी कि पेवमेंट और फुटपाथ के बीच बाउंड्री हो सकती है। तीसरा हमारी हो सकती है ये पेमेंट एंड ट्रैफिक सेपरेटर, ट्रैफिक सेपरेटर, जिसे हम मिडन के नाम से भी जानते हैं। और साथ में डिस्कस करें पेमेंट और आइसलैंड के बीच में भी एक हमारी बाउंड्री होती है, जिसे हम कर्व कहते हैं। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि कर्व एक बाउंड्री है, जो किस किस के बीच में हो सकती है, पेमेंट एंड शोल्डर के बीच हो सकती है, पेमेंट एंड फुटपाथ के बीच हो सकती है, पेमेंट एंड ट्रैफिक सेपरेटर के बीच हो सकती है, और पेमेंट एंड आइसलैंड के बीच हो सकती है। तो इसको समझते हैं डायग्राम की मदद से। आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जो ग्रीन कलर का डायग्राम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर है हमारा फुटपाथ। ये एक रोड का हमने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, ये हमारा फुटपाथ है। और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस में ये डायग्राम हमारा है, ये क्या है, हमारा पेवमेंट है, पेवमेंट, ठीक है ना, या कैरीज वे कह सकते हैं, पेवमेंट और कैरीज वे, कैरीज वे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो रेड कलर में बीच में आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये क्या चीज़ है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डायग्राम जो हमारा है, ये क्या चीज़ है, ट्रैफिक सेपरेटर, क्या हमारा, ट्रैफिक सेपरेटर। इसी तरीके से यहां पर जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा डायग्राम है, ये हमारा क्या है, पेवमेंट। इसी तरह ये ग्रीन कलर का डायग्राम हमारा क्या है, फुटपाथ। अब यहां से आपको समझ में आएगा, तो देखें पेवमेंट और फुटपाथ के बीच में जो ये ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है, ये जो बाउंड्री नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये हमारी क्या है, ये हमारा कर्व है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेवमेंट और फुटपाथ के बीच में जो बाउंड्री है वो हमारा क्या है, कर्व है। इसी तरीके से सेम वे में पेमेंट और ट्रैफिक के बीच में जो रेड कलर की आपको बाउंड्री नजर आ रही है, ये वाली, ये भी हमारा क्या है, कर्व है। इसी प्रकार यहाँ पर ये हमारा कर्व हो जाएगा और ये हमारा कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या कह सकते हैं, पेमेंट और फुटपाथ के बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिला, पेमेंट एंड ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में यहाँ पर हमें कर्व देखने को मिला। अब पेमेंट और शोल्डर के बीच में कहाँ पर है, इस डायग्राम में हम समझते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, कैरीज वे है, जिसको हम पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कैरीज वे, ये जो ब्लैक कलर की पट्टी हमारी क्या है, कैरीज वे है। और ब्लैक कलर की पट्टी के बगल में आपको यहाँ पर एक, ये एक कुछ चौड़ाई की आपको यहाँ पर भी एक ब्लू कलर का आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, ये हमारा क्या है, शोल्डर है। तो पेवमेंट और शोल्डर के बीच में यहाँ पर आपको एक रेड कलर की भी बाउंड्री नजर आ रही होगी। देखें यहाँ पर रेड कलर की बाउंड्री है, जो कंटिन्यूस हमारी इस तरीके से रोड के अलोंग यहाँ पर हमारी चल रही है। तो ये भी क्या है हमारी, इसे भी हम कर्व कहते हैं। तो पेवमेंट और शोल्डर के बीच में भी हमारा कहाँ हो सकता है, कर्व हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी, हमने बात करी कि पेवमेंट होता क्या है, तो पेवमेंट एक बाउंड्री है, कहाँ कहाँ हो सकती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, देखें कि पेमेंट जो कर्व हमारे हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहला हमारा कर्व है, कर्व मेनली हमारे तीन टाइप के होते हैं, लो और माउंटेबल कर्व। कौन सा, लो और माउंटेबल कर्व। दूसरा जो हमारा माउंटेबल टाइप कर्व, दूसरा जो हमारा कर्व है वो हमारा होता है सेमी बैरियर टाइप कर्व,
सेमी बैरियर टाइप कर्व, और थर्ड जो हमारा है वो है बैरियर टाइप कर्व। और एक नेक्स्ट हमारा और है सबमर्ज्ड कर्व, ये भी हम प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज में। लेकिन मेनली जो हमारे कर्व हैं वो तीन टाइप के हमारे कर्व हैं। तो अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इस कर्व की हमारी जो हाइट होती है पेमेंट से वो कितनी कितनी होती है। तो देखें, तो इसकी हमारी होती है यानी कि लो और माउंटेबल टाइप जो हमारा कर्व है इसकी हमारी पेमेंट से 10 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम पेमेंट, यानी पेमेंट से कितना ऊपर होता है हमारा 10 सेंटीमीटर हमारा ऊपर होता है। जैसे इसमें डायग्राम में समझते हैं कि ये हमारा पेमेंट है, तो पेमेंट से इसकी जो हाइट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये जो हाइट हमारी है कर्व की, ये हाइट हमारी लो या माउंटेबल कर्व की 10 सेंटीमीटर होती है। जबकि अगर हम बात करें सेमी बैरियर टाइप कर्व की, ये हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम पेमेंट। इसी तरीके से अगर हम बात करें बैरियर टाइप की, तो ये हमारी होती है, ये होता है 20 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम पेमेंट, यानी पेमेंट से, अगर पेमेंट से 20 सेंटीमीटर ऊपर है, अगर पेमेंट से हाइट 20 सेंटीमीटर ऊपर है तो हमारा कौन सा होगा बैरियर टाइप कर्व होगा। कहाँ यूज करते हैं यार इसके बारे में और कुछ हम जानते हैं, तो एक पॉइंट आपको और यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखें लो और बाउंटेबल कर्व क्या है कि ड्राइवर जो है वो स्लो स्पीड के साथ, मान लीजिए हमारा गाड़ी कोई ये पेमेंट पर अगर कोई गाड़ी अपने ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, तो पेमेंट पर जो ड्राइवर है इस गाड़ी को जो रन करा रहा है वो क्या कर सकता है, लो या माउंटेबल कर्व के केस में क्या करना है, स्लो स्पीड के साथ कर्व को पार करके शोल्डर पर अपनी गाड़ी को ला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि ड्राइवर स्लो स्पीड के साथ क्या कर सकता है, व्हीकल को कर्व क्रॉस करके शोल्डर पर ला सकता है, यानी उसे अनुमति होती है शोल्डर पर एंटर करा सकता है, यानी व्हीकल को कर्व क्रॉस करके शोल्डर पर एंटर करा सकता है, ये उसको अनुमति होती है इसकी। ठीक है ना, आगे बात करें, अगर हम बात करें किसके बारे में, सेमी बैरियर टाइप के कर्व के, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ड्राइवर को इमरजेंसी केस में ही जब वो जो हमारा सेमी बैरियर टाइप कर्व है उसको जब क्रॉस करेगा तो उसे कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, तो ड्राइवर को इमरजेंसी केस में ही अनुमति होती है कि वो शोल्डर पर सेमी बैरियर टाइप कर्व हमारा सेमी बैरियर टाइप कर्व को क्रॉस करके वो ला सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमरजेंसी केसेस में ही इसमें, यानी कि इस टाइप के कर्व में, इसमें व्हीकल को शोल्डर पर, या फिर मैं ऐसे कहूँ शोल्डर पर, या कर्व को क्रॉस करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम बैरियर टाइप कर्व की, क्योंकि इसकी हाइट हमारी ज़्यादा है, 20 सेंटीमीटर हाइट है पेमेंट से, तो इसमें व्हीकल कर्व को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, कहाँ बनाए जाते हैं ये कर्व, बुल्टअप एरिया में ये कर्व बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम सबमर्ज्ड कर्व के बारे में,
तो देखें समर्ज कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो ये कर्व कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लीजिए ये जो डायग्राम है, आपको थोड़ी देर के लिए मानना है कि ये डायग्राम जो हमारा है वो हमारा किसी भी एक ग्रामीण एरिया का है। तो ये कर्व यानी रूरल रोड, ये कर्व जो है ये कर्व रूरल रोड्स में, रूरल रोड्स यानी कि ग्रामीण सड़कें जो हमारी होती हैं, ग्रामीण सड़कों में दिया जाता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, तो आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए हमारा पेमेंट है, ये शोल्डर है, तो अगर ग्रामीण अगर सड़क है तो बीच में ये रेड कलर की जो बाउंड्री आपको चल रही है ये हमारा क्या है, ये हमारा सबमर्ज कर्व है। सबमर्ज कर्व का मतलब है डूबा हुआ, यानी कि पेमेंट से इसकी ऊंचाई हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो काम क्या करता है, यह कर्व फ्लेक्सिबल पेमेंट को, फ्लेक्सिबल पेमेंट को क्या करता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट को लैटरल सपोर्ट देता है, लैटरल सपोर्ट देता है, क्लियर है। तो यहां पर हमने जाना कि हमारे कर्व क्या होते हैं और कर्व हमारे कहां दिए जाते हैं, डायग्राम की मदद से हमने समझा, और ये भी जाना कि कर्व हमारे कितने टाइप के होते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स पर भी हमने डिस्कस किया जो कि हमारे सभी टाइप के कंपटीशन के एग्जाम में, यहाँ पर अगर आपको कर्व की थ्योरी लिखनी है तो इस टाइप के पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो ये सब हमने जाना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कर्व पॉइंट पूरी तरह समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, पूरी तरह समझ में आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।